नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में महज कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का है चुनाव होने वाला है और सभी पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी बात पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं आरजेडी ऑफिस और हमारे साथ जो है आरजेडी के नेता कैलाश यादव है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे विधानसभा का चुनाव है कुछ ही महीनों बाद, क्या कुछ तैयारी है आरजेडी की? आरजेडी कि ज़बरदस्त तैयारी है और हमारा कार्यक्रम 2400 जिला में चल रहा और पार्टी संगठन की मजबूती और पार्टी संगठन का जो रचना है उसको हम लोग जनता के बीच में ले जा रहे हैं और ये काशी विधानसभा में हमारा कार्यक्रम और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष के द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया। विशेष समिति सभी जिला में जा जाकर वहाँ के स्थानीय विषय को लेकर, पार्टी के संगठन की स्थिति को लेकर और जो हमारा आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर वो अपने सभी जिला में जाकर बताने का काम कर रही है। उसके बाद हम लोग का प्रमंडलवार बैठक होगा, फिर जिलावार बैठक होगा, फिर जो है कि सम्मेलन भी होगा। कार्यक्रम लगातार चल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल पहचान के कोई मोहताज तो है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड निर्माण में और एकीकृत बिहार में अहम योगदान रहा है, सामाजिक समरसता बनाने में, सामाजिक समीकरण बनाने में। और सोशल जस्टिस का कोई पार्टी है, सामाजिक न्याय का कोई पुरोधा है तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल है। ये सर्वविदित है पूरे भारतवर्ष में। कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? हम तो आपको बताया ना, हम लोग 81 विधानसभा में हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारा कार्यकर्ता और कार्यक्रम चल रहा है। और जब अभी तो हम लोग महागठबंधन में हैं तो गठबंधन का एक व्यवस्था होता है, उस व्यवस्था के तहत अभी कोई बैठकबाजी नहीं चल रही है। लेकिन पार्टी राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश अपना कार्यक्रम 81 विधानसभा में कर रहा है। जब महागठबंधन की बैठक होगी तो उस समय हम लोग देखेंगे क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या क्या एक मापदंड बनाया गया है। हम लोग का, हमारे अध्यक्ष ने 22 सीटों पर दावा किया है गठबंधन के तहत लड़ने का, लेकिन हम 81 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पहले भी चुनाव लड़ी है, 81 सीट पर कई बार लड़ी है और एक समय में हम लोग जो है कि यहाँ पर 29 MLA हुआ करते थे एकीकृत बिहार में, 22 आए, 17 आए, 11 आए, 9 आए, 5 आए, तो फ्लक्चुएट होता रहा। जबकि हमारे नेता का बीच में तबीयत खराब रहा, कुछ जो है कि प्रशासनिक जो न्यायिक मामला था, तो सारा स्थिति परिस्थिति को देखते हुए पार्टी हमेशा जो है कि एक मोर्चे पर खड़ा रही। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के चाहने वाले, राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, गांव में जाकर देखिए, कस्बों में जाकर देखिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो लोग पीड़ित और जो गरीब असहाय लोग हैं उसका मसीहा एक लालू यादव ही रहे हैं और उनको चाहने वाले आज भी लोग हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का ताकत बहुत पहले से मजबूत हुआ है और आने वाले समय में और जो है कि ताकतवर होगा, ऐसा हम लोग का मानना है। 22 सीट के का दावा आप लोग कर रहे हैं कि 22 सीटों पे हमारी जो तैयारी है वो चल रही है। वैसे तो आपने कहा कि 81 सीट पे चल रहा है लेकिन 22 सीट आप लोगों ने रखा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की डिमांड हो। महागठबंधन में हम लोग 22 सीट पर लड़ने का हम लोग ने दावा पेश किया है और ऐसे हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी 81 सीट पर बहुत तेज़ी से, तीव्रता से काम कर रही है जनता के बीच में और हम लोग उसको जो है कि बहुत मजबूती से जो है हम लोग इसको पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो हमारा जनता है, जो हमारा कार्यकर्ता है, उसकी चाहत है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है कि पूरी मजबूती से झारखंड में चुनाव लड़े, लेकिन हम महागठबंधन के तहत हैं और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल एक महानायक रोल अदा किया था पिछले बार चुनाव में, लालू जी इसके अगुवा थे और आज भी राजद जो है कि इसको जो है कि एक उसी तौर पर देखता है। चूँकि हमारे नेता के सामने BJP हो चाहे अपोजिशन हो, कोई ठहर नहीं सकता है और हमारा नेता के पास इतना ना विजन है, एजेंडा है कि इसको जो है कि कभी भी हमेशा मजबूती से और प्रखरता से दिखाने का काम किया। और लालू जी के नेतृत्व में ये गठबंधन बना था 2019 के चुनाव में और उसमें महानायक का रोल अदा किए थे। निश्चित तौर पर जो है कि परंपरा आगे भी चलेगा और हम लोग ऐसा मानना है कि महागठबंधन में जो सामाजिक समीकरण, जो वोट का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो है कि हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और जितना सीट जीते थे उसे 2 गुना सीट जीते। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी गठबंधन जो है कि दर्जन सीट पर आउट हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। युवा आक्रोश रैली किए थे, युवा आक्रोश रैली था कि युवा आक्रोश मार्च था
कि क्या था, जनता इसको समझ नहीं सके। और जो देश में जिस देश के प्रधानमंत्री प्रति वर्ष जो है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे, आज कितना रोजगार दिए, नौकरी दिए। तो जो प्रधानमंत्री और बीजेपी, जो भारत जुमला पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, एक भी देश में कीर्तिमान काम नहीं किया और एक भी देश में विश्वसनीय काम नहीं किया जिससे जनता विश्वास करे। महंगाई और बेरोजगारी का इतिहास इन्होंने आज़ादी का 75 साल का तोड़ दिया। तो जो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है, एक भी युवाओं को नौकरी नहीं दे सका जो 2 करोड़ का वादा किया था, और युवा आक्रोश निकलवा रहे हैं झारखंड में, जबकि झारखंड जो कि प्रति सप्ताह जो है कि नियुक्ति पत्र बांट रही है, मैया सम्मान योजना चल रहा, कितना लाभार्थी जो है कि योजना चल रहा है, उसके बाद इनके पास कहने को क्या है? तोड़ फोड़ तोल मोल कर रहे हैं, लोभ लालच भंवर जाल में सबको फंसा रहे हैं, ईडी का सीबीआई का डर दिखा के, आईटी का, इनकम टैक्स, अब वो सब जमाना लद गया। अब जनता जो है कि चुनाव लड़ रही है और जनता जो कि इनको करारा जवाब देने का हमेशा काम कर रही है। रोजगार की बात कर रहे हैं आप, नौकरी की बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जिस समय चुनावी प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सरकार भी आ गई, वो फिर दोबारा भी मुख्यमंत्री बने, वो अब जो युवा हैं वो पूछ रहे हैं कि वो 2 लाख नौकरी वो कहाँ मिला, किसको मिला? देखिए, आप लोग मीडिया से हैं, हम सम्मान करते हैं, जब डाटा निकालिएगा पूरे 5 वर्ष का तो आप अंदाज कर लीजिएगा कि राज्य सरकार ने कितना नौकरी दिया है, कितना नियुक्ति हर सेक्टर में दिया है, चाहे युवाओं को हो, स्कूल छात्रों को हो, स्टूडेंट का हो, या शिक्षा का हो, पुलिस का हो, जो भी प्रशासन का हो या दूसरे विभाग का हो, स्पोर्ट्स का हो, गांव में खेत में जा जा के प्रशासन को भेज भेज के लिस्ट निकलवा के नियुक्ति पत्र बांटा है। और ये तो मैंने तो डेटा के चीज़ है, आप इसको निकालिएगा, जब चुनावी हमारा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी होगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि 5 साल में कितना लोगों को नौकरी दिया। चूँकि आकांक्षा लोगों की बड़ी है, संख्या राज्य बड़ा है, 3.5 करोड़ की हमारी लगभग आबादी है राज्य में, तो सभी आदमी को कम समय में पूर्ति नहीं किया जा सकता है। बीच में 2 साल करीब कोविड से लोग परेशान रहा, कोरोना के महामारी से लोग परेशान रहा, तो अवसर और जितना मौका मिला, हमेशा केंद्र का मोदी सरकार ने यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का काम किया, यहाँ के नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया, के क्यों कार्यक्रम में बाधक बनने का काम किया कि किसी तरह सरकार काम नहीं करे। लेकिन हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य है जो सबसे ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, और यहाँ दबे कुचले पिछड़े जो अल्पसंख्यक आदिवासी समाज को मजबूत करने का, सबल बनाने का काम किया। निश्चित तौर पर आने वाला जो सरकार होगा, जो वादा किया गया था उसका 4 गुना ज़्यादा काम होगा, और आपको जो जनता को भी दिखेगा, देश को भी दिखेगा, और मीडिया जो स्वतंत्र संस्था है उसको भी दिखेगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। हेमंत सोरेन जी को 5 महीना जेल में रखा गया, इसका गुनाहगार कौन है, इसको सजा कैसे मिलेगी बेवजह का, बेमतलब का, जबकि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि कोई बिना प्रमाण का, बिना सबूत का, बिना आधार का जो कि इनको जेल भेजा गया। तो हम पूछना चाहते हैं भारत के संस्था से और सरकार से कि क्या आपने ईडी को इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि जो सरकार काम कर रही है उसको पैर में बेड़ी लगाओ, उसको जो है कि काम करने से रोको, कि 5 महीने जो जेल में आपने भेजा, ये 5 महीना का जुर्माना और हरजाना कौन देगा? ये जनता इनका हिसाब लगी और जनता इन पर भारी मुकदमा और भारी फाइन लगाएगी वोट के माध्यम से, जो इनको बता देगा, दर्जन सीट भी नहीं आएगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ। आप कह रहे हैं 5 साल के हिसाब की बात कर रहे हैं, और JSSC के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो 5 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन हमारा 9 साल का हिसाब कौन देगा? क्योंकि हम लोग ने बार बार कैलेंडर आता है, जारी होता है, एग्ज़ाम नहीं होती है, फिर हम लोग बार बार जो है JSSC ऑफिस के चक्कर काटते हैं, तो फिर उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कुछ समस्याएँ ज़रूर है, उससे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन JSSC का में भी कई नियुक्तियाँ हुआ है उसके माध्यम से। 10 महीना पहले एक एग्ज़ाम होता है IT इंस्ट्रक्टर का, 11 महीने होने वाले हैं, अभी तक वो लोग रिजल्ट के लिए धरना पे बैठे हैं, लगभग 38 दिन से धरना पे बैठे हैं। निश्चित तौर पर कुछ त्रुटियां हैं, तकनीकी खामियां हैं, उसमें न्यायालय का भी कुछ प्रतिबंध है, उनका भी कुछ दायरा है, कई सब विषय को देखते हुए, लेकिन हमको ऐसा मानना है कि किसी को निराश नहीं होना, और सरकार से लोगों की अपेक्षाएँ काफ़ी होती है, आकांक्षा बहुत बड़ी होती है, और सबकी आकांक्षा और अपेक्षाएं का पूर्ति करना ही सरकार का प्रथम दायित्व है और अंतिम दायित्व है। तो सरकार अपने लक्ष्य पर लगी हुई है, जो लाभार्थी, जो गांव के लोगों को कैसे जो है कि उनका रोजी रोजगार, कारोबार, कैसे उनका परिवार चले, कैसे दाल रोटी की व्यवस्था हो, इसके पीछे सरकार लगी हुई है। निश्चित तौर पर सरकार इसमें जो है कि सफल हो रही है, और आम जनता में आप एक कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति बन के अगर
अगर इनका जो है कि कार्यकाल का, इनका कार्यक्रम का और इनका नीति का, इनका रणनीति का, इनका जो है कि काम करने जो तरीका है, अगर अननोन बनकर लोगों से पूछिएगा तो लोग कहेंगे नहीं, हेमंत सोरेन सरकार जो है महागठबंधन की सरकार, JMMRJD कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हर सेक्टर में ये जो है कि अपने आप को खरा उतरने का काम किए हैं। अब मैं आपको बताया कि इनको 2.5 साल ही मात्र काम करने का मौका मिला, 2 साल कोविड मिल गया। जो एक छोटा सा राज्य जिसकी आय और साधन कम है, वो व्यक्ति दूसरे राज्य को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, मदद करने का काम किया, काबिले तारीफ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और आप जान रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ जिस राज्य का GST का बकाया हो भारत सरकार के पास, उसके बावजूद भी राज्य को जो है कि रेवेन्यू में आगे ले जा रहा है और आपको जो है कि GDP में आगे बढ़ा रहा है। साधारण बात नहीं है, आपका लाखों करोड़ का बजट हो गया सालाना, क्या बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राज्य जब से जन्म लिया 2000 से 2005, हाँ कुछ खामियाँ त्रुटियाँ हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जब गठबंधन के तीनों पार्टी के लोग बैठेंगे, समन्वय बैठेगी, कोऑर्डिनेशन बनेगा, तो उसमें चर्चाएं होगी। जैसे रिजर्वेशन का मामला है, OBC आरक्षण का मामला है, जैसे ST को सब जगह आप दे रहे हैं रिजर्वेशन, कई जगह SC को नहीं दे रहे हैं, OBC का 7 जिला को शून्य कर दिए, जो उसको भी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। बहुत सा जो है कि पेशा कानून को भी इसमें लाना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। 27% OBC को रिजर्वेशन का मामला है। कुछ विषय है जो राष्ट्रीय जनता दल जिसको मुखरता से प्रखरता से आवाज़ उठाते रही और हमारा पार्टी का मैंने प्राइमरी जो है कि प्रायोरिटी में एजेंडा है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार में कहीं ना कहीं जो है कि रुकावट आया है। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारी भी बात सरकार के माध्यम से ये पूर्ति हो, चूँकि रिजर्वेशन राष्ट्रीय जनता दल का दिया हुआ डिमांड है, मांग है, और 27% आरक्षण जो है पिछड़ा का हमारा मांग है, और इसको लेकर हम लोगों ने सरकार को अनुशंसा किया था, प्रस्ताव दिया था, उस पर सरकार पहल की थी, लेकिन अभी हम लोग के लिए संतोषजनक पहल नहीं है, इसको भी सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन ये कोई जो है कि आरोप नहीं है, ये हमारा प्रस्ताव, सुझाव और मेरा मांग है। इसी तरह कई लोगों का आकांक्षा है, अपेक्षाएँ हैं, अपनी अपनी मांग है, लेकिन सरकार को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यहाँ के तो अभ्यर्थी भी कहते हैं कि हमें पहले एग्ज़ाम वैकेंसी के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्ज़ाम दे देते हैं तो रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और जब रिजल्ट आ जाता है तो नियुक्ति पत्र के लिए आंदोलन करना पड़ता है। देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए, लेकिन हम अपने अभ्यर्थी साथियों से कहना चाहते हैं और आपसे भी, झारखंड का निर्माण ही त्रुटियों से हुआ है। झारखंड का जब बंटवारा हुआ, बिहार से झारखंड जब अलग हुआ, तो जिनके हाथ में पहले बार सत्ता मिली थी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जिसको तत्कालीन पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ऐसा यहाँ बुनियाद जड़ा कि लोगों में मतभेद जो है कि पैदा किया, लोगों में विद्रोह पैदा किया, लोगों में विद्वेष पैदा किया, लोगों में आपसी सामंजस्य और जो है कि सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। उसके कारण जो है कि BJP 17 साल यहाँ पर राज की, विभिन्न विभिन्न मामलों में विभिन्न विभिन्न एजेंडा के माध्यम से लोगों को बहका के, डरा के, फुसला के, लोक लुभावन वादे करके, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये अगर आज ही जो त्रुटि अभ्यर्थियों के साथ में हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इसका देन भारतीय जनता पार्टी है, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी है। चूँकि राज्य निर्माण का श्रृंगार आपको मिला, आप राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने और उस समय केंद्र में भी आपकी सत्ता और सरकार थी, आपने कभी भी डेवलपमेंट का, रोजगार का, नौकरी का, नियुक्ति का कोई वैसा रोड मैप बनाया नहीं। चूँकि आपने जब जो 24 साल में 25 साल में जो पार्टी 17 साल 18 साल राज किया होगा, तो सवाल उनसे ज़्यादा पूछना चाहिए और जो जवाबदेही उनकी है। लेकिन हमारी सरकार को जितना मौका मिला, वो सरकार काफ़ी लगन से, काफ़ी मेहनत से और पारदर्शिता के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो काम कर रही है, जो कि दिख रहा है, और ये हमारा दावा मजबूत है, मेरा वादा मजबूत है। हम जनता के बीच में यही दावे और वादे के साथ में जाएंगे, और अभी जो मैनिफेस्टो जारी होगा, अभी जो हम दावा करेंगे, उसी के आधार पर आगे हम लोग काम करके दिखाएंगे, और देश का पहला राज्य झारखंड होगा जो सबसे उन्नत होगा, उज्जवल होगा और सबसे विकसित होगा, समृद्ध जो कि विकास का पैमाना आपको दर्शाएगा। चंपई सोरेन JMM छोड़ के पहले अमित शाह से जाके मिले, अब उन्होंने सोशल साइट पे जानकारी दे दी है कि वो अब BJP का दामन थामेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि कोई भी संघर्षशील राजनेता को हम लोग सम्मान करते, चाहे किसी भी दल से हो। चंपई सोरेन एक समय में संघर्ष किए थे, लेकिन उनकी पहचान झामुमो से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनकी पहचान आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन से है। चूँकि शिबू सोरेन नहीं है, तो कोई भी JMM और कोई भी नेता की पहचान इन लोगों की नहीं है, तो शिबू सोरेन जी का ये लोग अपमान कर रहे हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया, जो एक लक्ष्य रखा था,
जो राज्य को एक संदेश दिया था कि हमारा लक्ष्य होगा, हमारा रोड मैप ये है, हम राज्य का जो सपना दिखाया था उसके सपने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने एजेंडा में काम कर रही थी। लेकिन यही चंपई सोरेन 5 महीना तक मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लोकसभा चुनाव लड़ा, उनका नेतृत्व किया, उनका अगुवाई किया, क्या क्या भाषण में बोले थे ये लोग से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि चंपई सोरेन भी उसी लोभ लालच के भंवर जंजाल में फंस गए जिसके मामले में और लोगों गए हैं पार्टी के लोग, और उनका हस्त्र क्या हुआ आपसे छिपा हुआ नहीं है। सीता और गीता का क्या हस्त्र हुआ आपसे छिपा हुआ नहीं हुआ है। इसी पार्टी से जो है कि निकल के मधु कोड़ा भी गए थे, इसी पार्टी से अर्जुन मुंडा भी गए थे। आज मधु कोड़ा जी का क्या स्थिति हुआ, फिर बीजेपी में आए दबाव में, वो अभी न्यायालय का न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले सीता सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने उनको भ्रष्ट नेता का करार दिया और उनके ऊपर जो है कि कार्रवाई का आदेश दिया था। तो ऐसे कई हालात है, हेमलाल मुर्मू जी गए थे, साइमन मरांडी जी गए थे, बीजेपी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया कोई से छिपा हुआ नहीं है, क्या उनको सम्मान दिया छिपा हुआ नहीं, पुनः उनको झारखंड में अति झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करनी पड़ी। और हमको लगता है कि इस उम्र के पड़ाव में चंपई सोरेन जी झारखंड को संवारने के लिए नहीं जा रहे हैं, झारखंड के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो अपनी बात कर सके। हमको ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन की आकांक्षा कुछ दूसरा है, उनकी मानसिकता कुछ दूसरा है। चूँकि झारखंड में माइंस और मिनरल, खादान और खनिज से जंगल जल और जल जंगल जमीन से परिपूर्ण राज्य है, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन का उधर भी उनका नज़र है। निश्चित तौर पर से आने वाले समय में भी बहुत सा परिदृश्य खुलेगा, इसका जो पटाक्षेप किया जाएगा, बताया जाएगा जनता को। लेकिन चंपई सोरेन से ही लोगों को उम्मीद और विश्वास नहीं थी कि वो बीजेपी के गोद में चले जाएंगे। वैसे लोगों के गोद में जाएंगे जो कि फासिस्ट पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, कट्टरपंथी पार्टी है। देश में लोगों को लड़वाने का, जलवाने का इनका कई कीर्तिमान इतिहास है बीजेपी का। वैसे पार्टी में चंपई सोरेन को जाना जो एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जन्म लिए हैं, वैसे नेता को जाना कहीं ना कहीं इतिहास माफ नहीं करेगा, झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी, खास करके आदिवासी समाज माफ नहीं करेगी। इनको जो है कि भटकना पड़ेगा और पुनः जो है कि घर वापसी करना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है ये चंपई सोरेन का निर्णय अत्यंत ही अहितकारी है, हितकारी नहीं है, ये हम आपको कहना चाहते हैं। आप चंपई सोरेन की बात करते हैं, स्टीफन मरांडी ने भी बयान दिया है कि अब यहाँ इस पार्टी में जो पुराने लोग हैं उनको वैल्यू नहीं मिलती। देखिए आदरणीय स्टीफन मरांडी जी को हम कहना चाहते हैं, हम उनको उस समय जानते हैं, बिहार में ही लोग लालू जी के सत्ता के साथ में भी रहे हैं और लालू जी के संरक्षण में भी रहे हैं। अब स्टीफन दादा हो, इनके उम्र का लोग को अब आराम करने की आवश्यकता है। नौजवानों को मौका दे, उनके बाल बच्चा परिवार कोई है तो उनका मौका दे, और अब स्टीफन मरांडी जी लोगों को संरक्षण का काम करना चाहिए, लोगों को मार्गदर्शन का काम करना चाहिए, और युवाओं को, नौजवानों को झारखंड के जिसका उज्जवल भविष्य झारखंड के लिए दौड़ सकता है घोड़े का तरह, वैसे लोगों को मौका दे। अब स्टीफन मरांडी जी को कमेंट करने से बचना चाहिए, अगर वैसा कुछ टिप्पणी की, हमको नहीं पता है कि उन्होंने क्या टिप्पणी की, आपके माध्यम जो हम सुन रहे हैं। अब वरिष्ठ नेताओं को टिप्पणी के बजाय मार्गदर्शन का काम करें और युवाओं को मौका दे, अवसर दे, राज्य चूंकि तेजी से विकास कर सके, गतिविधि जो है तेजी से बढ़े राज्य का। तो ये थे हमारे साथ कैलाश यादव जो कि आरजेडी के महासचिव और मीडिया प्रभारी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि 22 सीटों पे मजबूती के साथ इनकी तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और वैसे 81 सीटों पे इनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सामने कुछ ही दिनों बाद विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में कब कौन जो पार्टी है वो कितनी रंग लाती है, किसकी मेहनत कितनी रंग लाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबल्लम को दीजिए इजाजत, देख रहे न्यूज़ बाइस्कोप, धन्यवाद।